हेलो। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है इस लक्ष्मी एम लक्ष्मीकांत की कंप्लीट सीरीज में। जैसा आप सभी को पता है, पिछली क्लास में चैप्टर सेकंड को पढ़ रहे थे हम पहला, और उसमें भी सेकंड चैप्टर में भी हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर कि चैप्टर सेकंड में हम संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे, जिसमें आपको बता देता हूँ हमने कर लिया था जो समितियाँ थीं, प्रारूप समिति या फिर और सभी समिति, जो बड़ी और छोटी समितियाँ थीं तकरीबन सभी को हमने देख लिया था। तो इसमें आगे छोड़ा था हमने संविधान के प्रभाव, मतलब संविधान जब प्रभाव में आया था तो उस समय से स्टार्ट करेंगे कि संविधान कैसे बना, क्या हुआ, कब प्रभाव में आया, कब से लागू हुआ, तो ये सभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान का प्रभाव में आना। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो अंतिम प्रारूप था वो पेश किया गया था। ठीक है, और इसी टाइम जब पेश किया था तो उसी टाइम पहली बार संविधान को पढ़ा गया था, और यह संविधान सभा में कुल 5 दिन तक इस पर आम चर्चा हुई थी। ठीक है, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक इस संविधान पर 5 दिन तक चर्चा हुई थी, और फिर इसके बाद जो इस पर संविधान पर दूसरी बार चर्चा या विचार विमर्श हुआ था 15 नवंबर 1948 से। ठीक है, और इसमें संविधान का खंडवार यानी विचार किया गया था, संविधान पर खंडवार रूप से विचार किया गया था। आप इसे अच्छे से समझ लो कि जब दूसरी बार इस पर विचार विमर्श होना 15 नवंबर 1948 से चालू हुआ था, लेकिन यह खंडवार रूप से था, तो इस वजह से इसमें तकरीबन 1 वर्ष का टाइम लग गया, यानी 17 नवंबर 1949 तक चला था। और इसी अवधि के दौरान जो चर्चा हो रही थी, 1 वर्ष की अवधि के दौरान ही इसमें कुल 7653 संशोधन प्रस्ताव आए थे, और उनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई थी, क्योंकि एक तो समय की कमी और फिर ये जो संशोधन प्रस्ताव आए थे इनकी अधिक संख्या का होना और समय की कमी, तो उस हिसाब से ये सभा सभी को नहीं देख पाई थी और ना उस पर चर्चा हो पाई थी। तो मात्र 2473 पर सभा में चर्चा हो पाई थी, याद रखना। और इस तरह से संविधान पर 2 बार विचार विमर्श हो चुका, चर्चा हो चुकी, फिर इसके बाद तीसरी बार इस पर चर्चा हुई थी 14 नवंबर 1949 से। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से फिर इस पर तीसरी बार चर्चा हुई, और इसी चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ट प्रस्ताव पेश किया था। तीसरी चर्चा के दौरान ही पूछा जा सकता है कि किस चर्चा के दौरान और किस समय, यानी तीसरी चर्चा के दौरान और 14 नवंबर 1949 के बाद भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली भी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया था तीसरी चर्चा के दौरान। और बता दूं, ध्यान योग्य रखना, ये अच्छे से ध्यान रखना कि इसी दौरान, इसी तीसरी चर्चा के दौरान जो ये प्रस्ताव पेश किया गया था, इसी प्रस्ताव पर संविधान के प्रारूप पर, ठीक है, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था, और इस पर अध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। याद रखना, जो तीसरी संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ट, इस पर, मतलब इसको पहले 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, फिर इस पर अध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिए गए, और जिस टाइम इस प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षर लिए गए थे तो उस टाइम कुल सभा में 299 सदस्य मौजूद थे, और नहीं 299 सदस्य तो कुल थे। ठीक है, 200 सभा में कुल सदस्य संख्या थी 299, और उस टाइम मौजूद थे 284 सदस्य। याद रखना, जो 284 सदस्य मौजूद थे तो उन 284 सदस्यों के द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे इस पर प्रस्ताव पर, और इसी संविधान सभा की, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को, उल्लेख उसी दिन का किया गया है जो संविधान की प्रस्तावना है,
तो उसमें 26 नवंबर 1949 का ही उल्लेख किया गया है। याद रखना अच्छे से कि संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का ही उल्लेख किया गया है कि जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा, 26 नवंबर 1949 को। और देखो इसमें कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था, जो प्रारूप अपनाया गया था संविधान में, यानी ऐसे समझ सकते हो इसे कि 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया संविधान था उसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और प्रस्तावना को, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना कि प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद अपनाया गया था। पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान से पहले अपनाया गया था या बाद में अपनाया गया, तो याद रखना इसे अच्छे से कि जब पूरा संविधान लागू हो गया था तो उसके बाद प्रस्तावना को अपनाया गया था। और देखो इसमें कि जब ये संविधान मतलब पेश किया गया या इसका प्रारूप पेश किया गया था तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था इस प्रारूप को, और अंबेडकर ही पहले नए विधि मंत्री बनाए गए थे, याद रखना इसमें। और उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए उन्हें जाना जाता है, और उन्हें भारत का संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। और इनके बारे में और बता दूं कि यह एक महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता थे, और इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना महान लेखक थे भीमराव अम्बेडकर, संवैधानिक विशेषज्ञ भी थे, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता भी थे, और इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब देखें संविधान के प्रवर्तन को, कि संविधान के प्रवर्तन का मतलब होता है कि संविधान का भारत के लोगों के लिए लागू कर देना, यानी जिस दिन संविधान को भारत के लोगों के लिए, जनता के लिए लागू कर दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को संविधान का प्रवर्तन कह देते हैं, यानी सभी संविधान के आर्टिकल या संविधान को लागू कर देना। आपको इसमें बताता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 367, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान लागू हुआ था या पारित हुआ था तो ये सभी संविधान स्वतः ही लागू हो गए थे। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि याद रखना कि जो संविधान का आर्टिकल है 393, आर्टिकल 393, उसमें संविधान के नाम का वर्णन किया गया है, या 393 में भारत के संविधान के नाम का प्रावधान है, याद रखना, और वो है भारत का संविधान। क्या नाम है संविधान का? भारत का संविधान। ये आर्टिकल 393 में दिया हुआ है, भारत का संविधान, याद रखना। तो फिर इसके बाद आर्टिकल आएगा 394, ठीक है। जो ये 15 आर्टिकल थे ना, ये सभी 26 नवंबर 1949 को जो लागू किए गए थे, तो इस सभी का उल्लेख आर्टिकल 394 में दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी 26 जनवरी इसे अच्छे से समझ लो कि ये जो 15 आर्टिकल हैं टोटली, 5 5, और ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो 393 तक, ये तो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, और इनका प्रावधान 394 में किया गया, 394 में। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि इनका प्रावधान 15 आर्टिकल का तो 394 में किया गया, और ये तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, लेकिन ये जो 394 आर्टिकल है ये बाकी आर्टिकल के साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी 394 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ,
ये याद रखना, बाकी सभी 15,394 वो उसको 26 नवंबर को हो गए थे। और इसी 26 जनवरी को भारतीय संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। याद रखना, भारतीय संविधान की जब शुरुआत हुई थी तो 26 जनवरी को हुई थी, और इसी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर संविधान दिवस की बात करें तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो प्रारूप था वो पारित हुआ था, तो इसी वजह से मनाया जाता है 26 नवंबर को। और एक पॉइंट और याद रखना, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि 26 जनवरी को ही ये संविधान या गणतंत्र दिवस या संविधान की शुरुआत का दिन क्यों चुना गया, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, यानी 1930 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नहीं, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, 1929 में, सॉरी, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, ठीक है, याद रखना अच्छे से कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसी में एक संकल्प पारित हुआ था जिसके तहत 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और आप मुझे ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि किस नदी के किनारे मनाया गया था, बताओ, दिमाग लगा करके बताओ कि 1930 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें संकल्प पारित हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 1930 में जिस नदी के किनारे ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया उस नदी का नाम बता दो। आगे देखते हैं इसमें, और जैसे ही संविधान की शुरुआत हुई तो उसी के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को भी समाप्त कर दिया गया। यानी जैसे ही संविधान लागू हो गया तो उसके तुरंत, मतलब साथ ही साथ, 1947 जो स्वतंत्रता अधिनियम था भारत का, और भारत शासन अधिनियम 1935 को भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। याद रखना, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 फिर भी लागू रहा। अब देख लो, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में देखते हैं। इसमें बता दूं कि आपको पता हो तो, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, यानी याद रखना जब जिस टाइम इसका गठन हुआ था, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि उसी टाइम संविधान सभा के लिए चुनाव चल रहे थे, और 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका वर्तमान नाम है कांग्रेस पार्टी, ने संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जिस टाइम संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे उसी टाइम इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। और इसमें जो सदस्य थे वो देखो कि पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के टी सेठ, डी आर गोडगिल, हुमायूं कबीर, और आठ में थे के संथानम। ठीक है, इसमें 8 सदस्य तो ये हो गए आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के टी सेठ, डी आर गोडगिल, हुमायूं कबीर, के संतानम। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये देखो कि 8 सदस्य तो ये पहले थे, इसके बाद सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को भी समिति में सदस्य और संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कृष्ण कृपलानी को सभापति के प्रस्ताव पर किया गया था शामिल, कृष्ण कृपलानी को। और इस विशेषज्ञ समिति के बारे में बता दूं, इसकी कुल 2 बैठकें हुई थी, जिसमें पहली बैठक हुई थी 20 से 22 जुलाई तक, 20 से 22 जुलाई 1946 तक नई दिल्ली में, ठीक है, और दूसरी बैठक 15 अगस्त से 17 अगस्त को बम्बई में हुई थी।
पहली बैठक तो इसकी नई दिल्ली में 20 जुलाई से 22 जुलाई 1940 तक, और दूसरी बैठक बम्बई में 15 अगस्त से 17 अगस्त तक उसमें बम्बई में। और इस सभा मतलब इस समिति के लिए आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद जिसका नाम था ग्रेनविले आस्टिन के द्वारा इस समिति के लिए लिखा गया था कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया था। ठीक है, याद रखना, ग्रेनविल गो ऑस्टिन ने लिखा था, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया था। यानी इनका कहने का मतलब यह था कि अगर ये समिति नहीं होती तो भारत की जो संविधान की इस टाइम उपलब्धि, भारत ने संविधान की जो उपलब्धि हासिल की थी उसे हासिल नहीं कर पाता। और समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। आगे देखो, अब संविधान सभा की आलोचना, क्योंकि जिस मतलब कोई चीज़ बनती है तो उसके समर्थक भी होते हैं, उसके आलोचक भी होते हैं, उसमें खूबियाँ भी होती हैं, उसमें बुराइयाँ भी होती हैं, तो सब कुछ को साथ लेकर के चलना होता है। ऐसा ही नहीं कि उसकी बढ़ाई या खूबियों को ही देखो, उसकी जो कमियाँ हैं उसको भी देखना चाहिए, उसकी आलोचनाएँ भी करनी चाहिए जिससे कि उसमें सुधार हो सके। अगर तुम उसकी कमियों की भी बढ़ाई करोगे, उसकी भी तारीफ करते रहोगे तो उसमें सुधार तो कैसे भी नहीं हो सकता। अब देखो कि इसमें कि आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचनाएं की हैं, ये आधार आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें पहला आधार था, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी आलोचकों के द्वारा इसके बारे में कहा गया था कि यह कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसका किसी के द्वारा कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं किया गया था। और इसको प्रतिनिधि निकाय नहीं कहने का सबसे बड़ा कारण था, उन्होंने कहा था कि इसके जो सदस्यों का चुनाव था भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, इसी वजह से इन्होंने कहा था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। और इन्होंने दूसरी इसमें आलोचना की कि यह संप्रभुता का अभाव था इसमें, मतलब आलोचकों के अनुसार इसमें संप्रभुता का अभाव था। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण पॉइंट आलोचकों के दिए हुए हैं कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यानी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था, यह कहना था आलोचकों का। और यह भी कहा था उन्होंने कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, यानी इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर भी हुआ, और ये जो बैठकें स्टार्ट करती थी अपनी तो उससे पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, यानी इस हिसाब से यह संप्रभु नहीं थी। इस पर जो पूर्ण रूप से अधिकार था वह ब्रिटिश सरकार का था। और फिर तीसरी आलोचना की गई इसकी कि इसमें समय की बर्बादी हुई थी। आलोचकों का कहना था कि जो संविधान का भारत का निर्माण हुआ था यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो उनके अनुसार इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया उसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया गया। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने मात्र 4 माह का समय लिया था। और इसमें निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे, यानी संविधान सभा में जो निराजुद्दीन अहमद सदस्य थे उनके द्वारा भी अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम दिया गया था। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा था, याद रखना, अपवहन समिति निराजुद्दीन अहमद के द्वारा नाम दिया गया था इस प्रारूप समिति को। ठीक है, अपवहन समिति निराजुद्दीन अहमद के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे। आगे फिर देखो इसकी और आलोचना में कि कांग्रेस का प्रभुत्व था इसमें। आलोचकों के अनुसार जो संविधान सभा थी
उसमें आलोचकों का कहना था कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था और ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले आस्टिन ने भी टिप्पणी की थी इस बारे में कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय था। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी ग्रेनविले आस्टिन के द्वारा की गई थी संविधान सभा के लिए कि संविधान सभा एक देश का यानी एक दलीय देश का एक दलीय निकाय था। एक दलीय देश का यानी जो देश है उसमें एक ही दल है और ये जो सभा है यह भी एक ही दलीय है। यह ग्रेनविले आस्टिन के द्वारा कहा गया था और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है, कांग्रेस ही भारत है, यानी सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और पांचवी आलोचना की गई वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था इसमें, यानी वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था इसमें, अधिक संख्या में वकील और राजनीतिज्ञ ही थे। अब देखो आलोचकों ने क्या क्या कहा इसमें कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, यानी जो अन्य वर्गों के लोग थे या फिर समाज के जो अन्य वर्ग थे उसके लोग थे उसको इस संविधान सभा में सीमित अधिकार दिए गए, मतलब कह सकते हैं ना के बराबर अधिकार दिए गए वकीलों और नेताओं का इसमें बोलबाला था। और इसके अनुसार मतलब आलोचकों के अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति थे तो वो तो इस जटिल भाषा और इसके आकार को समझ सकते थे लेकिन आम जनता के लिए यह समझना कठिन था, इसी वजह से इसमें इनका बोलबाला था। और आगे आलोचना थी इसकी कि हिंदुओं का इसमें प्रभुत्व था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सांप्रदायिकता से संबंधित कि हिंदुओं का इसमें प्रभुत्व था। याद रखना कि ये कुछ ही आलोचक थे जिनके द्वारा कहा गया था कि ये हिंदुओं का प्रभुत्व था, सभी के द्वारा नहीं। ये नेगेटिव पॉइंट जो थे, ऐसी बात नहीं कि समाज में नेगेटिव तत्व नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अधिकतर पॉजिटिव ही होते हैं पर नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो उनके अनुसार था ये कि इसमें हिंदुओं का वर्चस्व था जबकि इसमें सभी का वर्चस्व था, याद रखना। और इसमें लॉर्ड विस्काउंट ने भी इसमें कहा था कि यह हिंदुओं का निकाय था, लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा इसे हिंदुओं का निकाय कहा गया था। और इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने भी इसमें टिप्पणी की थी, विंस्टन चर्चिल के द्वारा भी इसमें टिप्पणी की गई थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, यानी संविधान सभा ने एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा किया था, ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। मुझे तो लगता है ये विंस्टन चर्चिल हुए, ग्रेनविले आस्टिन, लॉर्ड विस्काउंट, ये सभी हुए, इन पर काम ही आलोचना करने का था या फिर किसी से संबंधित कुछ टिप्पणियाँ या किसी को नाम देने का, पता नहीं क्या थे ये। और बता दूँ ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर भी कहा गया था। विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो महात्मा गांधी थे उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी गई थी, अर्धनग्न फकीर, और उन्हें देशद्रोही फकीर भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था, यानी देशद्रोही फकीर भी। आगे अब इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यानी आवश्यक तथ्य दिए हुए हैं आपके सामने, एक एक करके सभी को देखते हैं। इसमें पहला तथ्य है आवश्यक कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया था, तो याद रखना हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। और सर वी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये तो पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं एसएससी में, सीजीएल में, ये सभी क्वेश्चन आते रहते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा में, संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो याद रखना बी एन राव थे। आगे एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव। और एल एन मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन, एल एन मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये संविधान के प्रमुख सुलेखक, यानी पूछा जाता है कि संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था, तो
तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था, याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और मूल संविधान, ये संविधान में एक प्रवाहमय यानी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। जो ये प्रेम बिहारी नारायण थे, इनके द्वारा इसे, जो मूल संविधान था उसे इटैलिक या प्रवाहमय शैली में लिखा गया था, याद रखना। और मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, यानी जो मतलब जो संविधान था उसकी सजावट, उसका सौंदर्यीकरण और उसकी सुंदरता, सब कुछ कार्य शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें प्रमुख थे नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा सौंदर्यीकरण और सजावट की गई थी संविधान की। और मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। तो ये तो सिंपल है, राम बिहारी बोस के, इसके प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा ही संविधान को लिखा गया, तो उसको भी लिख दिया इन्होंने प्रस्तावना को। और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया था, याद रखना। जो मूल संविधान था वो हिंदी भाषा में नहीं था, मूल संविधान था आपकी प्रवाहमय यानी इसे इटैलिक शैली के नाम से जाना जाता है, इसमें लिखा गया था जो मूल संविधान था। और इसमें हिंदी का, इसका हिंदी का संस्करण वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया था, वसंत कृष्ण वैद, और जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया था, सुंदरलाल बोस ने। अब संविधान का हिंदी पाठ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान के हिंदी पाठ के बारे में देखेंगे थोड़ी देर, और सेम बना लो बस, थोड़ा दो तीन टॉपिक और बचे हैं बस, और आज चैप्टर सेकंड को मैं कंप्लीट कर दूंगा इसमें। तो अब संविधान के हिंदी पाठ के बारे में देखते हैं कि मूल संविधान में हिंदी भाषा प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, जैसा कि बता दिया था मैंने, इटैलिक शैली में लिखा गया था जो मूल संविधान था। और बाद में इसे कृष्ण जो थे, ये वसंत कृष्ण वैद के द्वारा इसे हिंदी में बनाया गया, लिखा गया था, ठीक है। और बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया था, 58वें संविधान संशोधन, 58वें। और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया, यानी 58वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में भाग 22 में अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया था, और जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे वो सभी आपके सामने हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रावधान था, और देख लो इसे, कि इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार है, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा 394 का में प्रकाशन किया गया था, जो प्रावधान जोड़े गए थे वो आपके सामने है। कि पहला था इसमें संविधान का हिंदी में अनुवाद, यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा, और संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। पहले जो सभी संविधान के संशोधन होंगे वो पहले सम्मिलित किए जाएंगे, उसके बाद उसका प्रकाशन किया जाएगा। और संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में, यानी संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अनुवाद, जो महत्व या जो लिखा हुआ अंग्रेजी में है वही अनुवाद हिंदी में किया जाएगा, जैसा संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है ठीक वैसा ही उसका अनुवाद हिंदी में किया जाएगा। और इस हिंदी पाठ का अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, मतलब उसका अर्थ भी वही होगा जो अंग्रेजी का है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे, यानी जो हिंदी में अनुवाद होगा वो अगर इंग्लिश के अनुवाद से मैच नहीं खाता है तो उसका जो निर्णय आगे करेंगे उसका परीक्षण कराने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया। और संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा, ये तो
हाँ ये तो हो गया, तथा हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा उसे। अब देख लो, ये आपके सामने है कि जो 1946 में संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया था वो किस प्रकार था, कि जैसे पहला था इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, इसमें आपको अच्छे से समझा दूं कि जो ये मतलब जो ये संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1 जुलाई 1946 को हुए थे संविधान सभा के पहली बार चुनाव, और इस चुनाव के तहत संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी, आपके सामने दी हुई है ये 389। ठीक है, कितनी थी? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य चुने गए थे वो 292 थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। ठीक है, और देसी रियासतों से जो भारतीय राज्य थे वो 93 सदस्य थे, और मुख्य आयुक्त के प्रांत यानी ब्रिटिश कमिश्नरी से जो सदस्य थे वो 4 सदस्य थे। और इसमें याद रखने वाली बात ये है इम्पोर्टेंट कि इसमें 296 सीटों पर तो चुनाव हुए थे और 93 सीटों पर हुआ था मनोनयन, यानी नॉमिनेशन हुआ था 93 सीटों पर और चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। और फिर इस चुनाव के नतीजे आए आपके सामने जुलाई अगस्त, जुलाई में जो चुनाव हुए उसके बाद अगस्त में इसमें इसके नतीजे आए, तो इसमें कांग्रेस को कुल सीटें मिली 208, यानी कांग्रेस को इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग को मिली थी 93 सीटें, वो 73 सीटें, और अन्य सदस्यों को सभी को कुल मिलाकर के 15 सीटें मिली थी। ठीक है, इतना याद रख लो, ये अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को मिली 208, 73 मिली मुस्लिम लीग को, और अन्य सभी पार्टियों को टोटल 15 सीटें मिली, याद रखना। और इसी तरह चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी पहली अंतरिम सरकार यानी भारत की पहली अंतरिम सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, याद रखना। और इस अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो बता देता हूँ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, चुनाव तो हुए थे 46 में, उसमें जुलाई में, लेकिन इस संविधान सभा का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और ये जो संविधान सभा बनाई गई थी, यानी ये जो संविधान सभा थी इसमें अब समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व को भी देख लो आपके सामने है कि इसमें हिंदुओं में से प्रतिनिधित्व किया गया था 163 के द्वारा, और मुस्लिमों में किया गया 80 सदस्यों के द्वारा, और अनुसूचित जाति में 31 ने प्रतिनिधित्व किया था, और ईसाई में 6, और पिछड़ी जाति 6, और सिखों के द्वारा भी 4 सदस्य थे इसमें, और एंग्लो इंडियन 3, और पारसी सदस्य थे इसमें 3। और इसमें एक पॉइंट ये याद रख लो कि आप जो ये निर्माण हुआ था इसका, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी किस राज्य में किस जगह सबसे ज़्यादा थी, तो बता देता हूँ, संयुक्त प्रांत जो इस टाइम उत्तर प्रदेश है इसमें सदस्य संख्या सबसे अधिक 55 थी। ठीक है, कितनी थी? 55, और 49 मद्रास में थी, तो इतना याद रख लो बस, संयुक्त प्रांत में 55 थी। आगे फिर और देखता हूँ, चलो आगे देखते हैं। और अब ये देखो संविधान सभा के जो सत्र चले थे एक नज़र में वो देख लो कि इसमें पहला पहला सत्र चला था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक, और दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 तक, फिर तीसरा सत्र चला इसमें 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा चला इसमें 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से जूम करके पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं इसमें कुल सत्र चले थे 11 सत्र, पहला सत्र 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और अंतिम सत्र का जो समापन हुआ था 26 नवंबर को हुआ था। तो याद रखना, यही टाइम देखा जाता है कि संविधान के निर्माण का जो टाइम लगा था बनने में, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर
1949 के बीच जो टाइम लगा था वही संविधान निर्माण का टाइम था, यानी ये टाइम था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी 3 साल कंप्लीट हो जाती अगर 12 दिन और लग जाते तो, ठीक है, इतना याद रखना इसमें। और आगे अब ये देखो आपके सामने ये और दिए हुए हैं कि जैसे अन्य देशों के 4-5 देशों के नाम हैं, उसके संविधान के निर्माण में जो टाइम लगा था उसके बारे में और देख लो, महत्वपूर्ण देशों के हैं ये। जैसे यूएसए का संविधान, यानी जो लिखित संविधान है सबसे पुराना यूएसए का माना जाता है, और वैसे संविधान सबसे पुराना माना जाता है उसका यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि वो अलिखित था लेकिन यूएसए का लिखित है। ब्रिटेन का सबसे पुराना है वो अलिखित है, यानी लिखा हुआ नहीं है, और यूएसए का लिखा हुआ सबसे पुराना है, ठीक है। तो जो यूएसए का संविधान बना था वो 4 माह से भी कम समय में बन करके तैयार हो गया था, 25 मई 1987 से 29 सितंबर 1787 के बीच, और कनाडा के में, और ये जो यूएसए का था इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं मात्र, और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, और 19 अक्टूबर 1864 से 67 तक बना था, और इसमें समय लगा था 2 वर्ष 6 माह। तो इंडिया के संविधान के आसपास के समय के नज़दीक ये कनाडा का ही संविधान है, याद रखना। और आगे फिर ऑस्ट्रेलिया का, इसमें 128 हैं, ये इसमें समय लगा था 9 वर्ष, इसमें तो इंडिया से तकरीबन 3 गुने से भी ज़्यादा समय लगा था ऑस्ट्रेलिया के में। आगे फिर साउथ अफ्रीका का, इसमें 153 अनुच्छेद और मात्र इसमें समय लगा था 1 वर्ष का। तो याद रखना, जो भारत का 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, उसके मुकाबले ये देखा जाए तो इसका यूएसए का काफ़ी समय, कनाडा का तकरीबन बराबर सा है, और ऑस्ट्रेलिया का तो काफ़ी ज़्यादा है, अफ्रीका का उससे कम है। अब ये देखो आर्टिकल दिए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण, कि आर्टिकल 393 में जो शीर्षक है संविधान का क्या नाम है उसके बारे में दिया हुआ है, यानी भारत का संविधान आर्टिकल 393 में दिया गया है संविधान का शीर्षक। और ये 394 जब 26 नवंबर 1949 को जो आर्टिकल लागू हुए थे उसका प्रावधान आर्टिकल 394 में दिया हुआ है, जो 15 आर्टिकल थे, ठीक है। आगे फिर ये 394 ए है, इसमें हिंदी को प्रामाणिकता का जो पाठ दिया गया था उससे संबंधित है आर्टिकल 394 ए। और 395 ये आर्टिकल इस टाइम निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना। सॉरी मैं क्या बोल गया, इस आर्टिकल को निरस्त नहीं किया गया, इस आर्टिकल 395 के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, 1947 और 1935 को समाप्त करने का प्रावधान इसी आर्टिकल में दिया गया है 395 में, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और आपको मैं संक्षेप में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे उसके तहत जो अंतरिम सरकार पहली बनाई गई थी उसके सदस्यों के नाम बता देता हूँ आपके सामने, अच्छे से याद रखना, मैं इन्हें आपके सामने अभी बता देता हूँ कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड वेवल, ठीक है, याद रखना। जो लॉर्ड वेवल वायसराय थे उनको तो अध्यक्ष बनाया गया था उस टाइम अंतरिम सरकार में, और उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर अब अंतरिम सरकार के जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में और देख लो, उस टाइम जो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे तो उन्हें उसके अलावा पीएम यानी प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया, विदेश मंत्री भी दिया गया, राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री, ये सभी पद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिए गए थे। और इसमें कुल जो मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें कुल 13 सदस्य थे,
ठीक है। अंतरिम सरकार के मंत्रिपरिषद में कुल 13 सदस्य थे, इसमें गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था सूचना एवं प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री। इसके बाद शिक्षा मंत्री बनाया गया था सी राजगोपालचारी को, याद रखना किसको, सी राजगोपालचारी को। और कानून मंत्री बनाया गया था सरदार रक्षा मंत्री। और कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को, याद रखना मैं गलत बोल गया, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को। और स्वास्थ्य मंत्री महत्वपूर्ण मंत्री बनाए गए थे, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था गजनफर अली खान को, स्वास्थ्य मंत्री। और वित्त मंत्री, ये भी पूछा जाता है, वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली खान को। ये आगे चल करके फिर पाकिस्तान के लियाकत अली खान जो थे पहले प्रधानमंत्री बने थे, और मोहम्मद अली जिन्ना पहले उसके गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राव को। और खान एवं बंदरगाह ये बनाया गया था H.C. बाबा को, यानी होमी जहांगीर बाबा को। और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली को बनाया गया था। और उद्योग मंत्री जॉन मथाई को। और संचार मंत्री अब्दुल रब निष्ठार को। और वाणिज्य मंत्री I.I. चंद्रचूर को बनाया गया था, चंद्रीगढ़ को। तो दोस्तों इस तरह से ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर सेकंड आज यहाँ ख़त्म हो जाता है, या समाप्त कंप्लीट हो जाता है सेकंड चैप्टर इस लक्ष्मीकांत का। आगे फिर इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं कल, उसमें पढ़ेंगे हम आपके सामने संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, उनकी आलोचनाओं के बारे में, सब कुछ चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पढ़ते रहें। बाय।